तो स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि किस तरह से यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब को चलाते हैं और यूट्यूब में कोई ऐसा म्यूजिक जो आपका फेवरेट म्यूजिक हो और आप चाहते हो कि आप जो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को लॉक कर दे और आपका जो म्यूजिक बैकग्राउंड में चलते रहे, फिर कोई ऐसा ऑडियो जो आप सुनना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद फिर आपको टैप करना है स्क्रीन ऑफ़। यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन ऑफ टैप करोगे, स्क्रीन ऑफ जैसे आप टैप करोगे, यहाँ पे फर्स्ट में भी एक आपको लिंक दिखा देगा। यहाँ पे पहले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन ऑफ की प्लेइंग, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ ही देर बाद ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ओपन बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक कर लेते हो तो पहली बार यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्वैपिंग वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो फिर दूसरे स्टेप में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशन का, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट परमिशन पे क्लिक कर दोगे तो जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किए हो, ध्यान से आपको इसमें आपको ये देखना है, वो एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने में ये आ चुका है स्क्रीन ऑफ कीप प्लेइंग, यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद फिर यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर यहाँ से आपको जो है अगला स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पे आगे करना है। स्टेप इज ओके, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है सारा ऑप्शन। यहाँ पे सही के निशान पे टिक लगा देना है। अब यहाँ पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको जो ऊपर में दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऑप्शन को आपको टिक लगा देना है। नोटिफिकेशन एनेबल है, चैट हेड यहाँ पे आपको एनेबल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो एक आइकॉन आपके सामने में दिखाई देगा, यही आइकॉन जो है काम करता है। अब आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन से आपको बाहर निकल जाना है। बाहर निकल जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखाई देगा, बस इसी पे आपको जो ध्यान देना। अब इसको टेस्ट करवाने के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे जो हम एक कोई भी वीडियो को जो है यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, और भी यहाँ पे वीडियो प्ले करने के बाद फिर आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे वीडियो प्ले कर दिया और यहाँ पे हम अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को लॉक कर देते हैं। लॉक करना तो यहाँ पे डबल टैप कर देना है। डबल टैप करने के साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा और म्यूजिक जो है चलते रहेगा। इससे जब भी आपको जो अनलॉक करना है तो यहाँ पे डबल टैप फिर से वापस क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में डबल टैप करने के बाद यहाँ पे फिर से आपका जो है ये ओपन हो जाएगा।